الرحمن الرحيم. So in our today's lesson, we'll be starting up with the chapter of prayer. Next class के अंदर we did work energy and power. We solved a few questions as well. ठीक है, तो आज जरा initiate करते हैं pressure के concepts. देखो, when you start off with the idea of pressure, तो इसको ना पहले definition के अलावा एक अंडरस्टैंडिंग से समझना जरूरी है कि व्हाट इज प्रेशर इन द फर्स्ट प्लेस. देखिए, प्रेशर का जो बेसिक आइडिया है, इट्स बेसिकली डिफाइंड एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स. लेकिन डेफिनेशन इसकी कुछ और है. डेफिनेशन में आप कहते हैं कि इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. डेफिनेशन के मुताबिक आप इसको कहते हैं भाई, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. लेकिन द वे वी अंडरस्टैंड इट, इसके भाई प्रेशर इज द कॉन्सेंट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स. On the surface, it is applied. जहां इसे apply किया जाता है, उस applied space पे उसके force की concentration या उसकी distribution को आप pressure के understanding में लेकर आते हैं. इस बात का अगर मैं आपको methodology यानी mathematics के through मतलब समझाऊं, तो देखिए डेफिनेशन ये कहती है कि द फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. सी दिस एफ इज फोर्स एंड ए इज द सरफेस एरिया ऑफ योर ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है. एंड दिस पी इज प्रेशर. With force in newtons, area in meter square. तो pressure का जो SI unit होता है that is Pascal, PA. और quantity wise ये एक scalar quantity. अब मैं आपको उसके मैथ्स के हिसाब से इसका मतलब समझाता हूँ. जो मैंने कहा ना कि इट टेल्स यू अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो देखो, इफ आई हैव अ सिलेंडर और लेट्स से रादर देन अ सिलेंडर लेट्स से आई हैव अ क्यूबॉइड. Let's say I have a cuboid over here. बिल्कुल बेटा अब्दुल बासित, it's newton per meter square. ये हमारे पास अभी एक एरिया है जिसके ऊपर हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा. एरिया लाजमी बात है आपको नीचे भी नजर आ रहा होगा. ठीक है, तो इट्स प्लेस्ड ऑन अ सरफेस. लेट्स से इस बॉक्स का जो वेट है विच इज बेसिकली द फोर्स
जस्ट बेसिकली द फोर्स जो आपके पास इस एरिया पे लग रही होगी W, ये हमें दिया गया है 100 न्यूटन और जो एरिया है हमारे पास सरफेस का, क्योंकि ये छोटा सरफेस है हमारा, तो मैं इसको कह देता हूँ भाई इसका एरिया था 0.02 मीटर स्क्वायर। मुझसे कहा जाता है कि सर आप बताइए कि प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है। अब हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, तो हमने फोर्स रखी 100 न्यूटन की, क्योंकि द फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस इज द वेट ऑफ योर ऑब्जेक्ट, और एरिया रखा 0.02। यहां से हमें प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी 100/0.02। प्रेशर आ गया हमारे पास 5000 पास्कल्स। इस वैल्यू से मुझे ऐसा पता चला कि ये फोर्स ऐसे डिवाइड हुई है जैसे कि 5000 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पे लगी। 5000 पास्कल्स का मतलब ये 5000 न्यूटन ऑन 1 मीटर स्क्वायर। तो फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस तरीके से जैसे 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, आपको इस बात का अंदाजा भी है कि प्रेशर एरिया से इनवर्स प्रोपोर्शन पे है। प्रेशर के एरिया से इनवर्स प्रोपोर्शन होने का मतलब ये है आप जितना एरिया कम करेंगे फोर्स उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगी एक जगह। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप एक तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास से सन रेडिएशन को एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करवा देते हैं, जिससे होता क्या पेपर उस जगह से जलना शुरू हो जाता है। भाई आपने हीट तो नहीं बढ़ाई थी ना, पहले क्या हो रहा था भाई पूरे पेपर पे वो सारी हीट डिस्ट्रीब्यूट होकर पड़ रही थी। फिर क्या हुआ वो सारी हीट एक छोटी सी जगह पे आके कॉन्सेंट्रेट हो गई। जब वो हीट कॉन्सेंट्रेट हो गई ना तो उसका इफेक्ट बढ़ गया। कहते हैं भाई प्रेशर यहाँ पे एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीट हमने बढ़ा दी, सही हीट हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दी। यहाँ पे कहा जाता है द स्मॉलर द सरफेस एरिया द लार्जर इज द प्रेशर प्रोड्यूस्ड। और इसकी रीजन क्या है भाई, इसका रीजन ये है ऑन स्मॉलर एरिया फोर्स गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड। आप कभी भी देखो आपके पास ड्रिल बिट्स हो गई जो आप वॉल में ड्रिल मशीन के थ्रू ड्रिल करने के लिए यूज करते हो, नेल्स हो गई, बुलेट हो गई, नीडल हो गई, इन सब के टिप को पतला रखा जाता है ताकि प्रेशर ज्यादा डेवलप हो और ये पेनिट्रेट करके उस बॉडी में एंटर हो सके। जैसे कि अगर आप ड्रिल बिट के लिए आप दीवार के अंदर उसमें ड्रिल करना चाह रहे हैं तो उसको आगे का हिस्सा ब्लंट नहीं होता, शार्प होता, ताकि जब आप फोर्स लगाएं तो वो फोर्स पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जिससे प्रेशर ज्यादा बिल्डअप हो और आपका वो जो ड्रिल बिट है वो दीवार के अंदर पेनिट्रेट करके जा सके। एरिया के कम करने से प्रेशर में आपको ज्यादा इफेक्ट नजर आता है। इसी तरह आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, थोड़ी फनी एग्जांपल है अजीब सी, कि भाई शादी में अगर आप गए हुए हैं किसी वेडिंग या किसी इवेंट के अंदर आप जा रहे हैं एंड समवन स्टेप्स ऑन योर फीट, इफ दैट पर्सन इज वेयरिंग अ फ्लैट सोल तो आपको तकलीफ होगी, बट इफ दैट पर्सन इज वेयरिंग हाई हील्स और स्टिलेटो हील्स आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। Although the person has the same weight, but if that person was wearing stiletto heels और वो आपके पैर पर के खड़ा हो जाता है तो उसका सारा वेट एक छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए, जब वो शख्स आपके पैर पे खड़ा होगा आपके पैर में होल हो जाएगा एक, क्योंकि फोर्स वही थी लेकिन प्रेशर
बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट कर गई आपके पैर में। तो एरिया को कम करने से प्रेशर आपका इंक्रीज होता, और एरिया बढ़ा देने से वाइस वर्सा प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाता। अगर मैं इसी डब्बे को जो मैंने अभी ऐसे रखा हुआ है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल करके प्लेस कर देता, ये आपके पास यहाँ पे सरफेस हो गई, लेट्स से फॉर एग्जांपल। अब मैंने इसे ऐसे रखा हॉरिजॉन्टल, वही वेट होगा जो कि बड़े एरिया पे अप्लाई हो रहा हो। हम कहते हैं भाई द वेट इज द सेम एज 100 न्यूटन्स, लेकिन अब एरिया ज्यादा था, लेट्स से 0.5 मीटर स्क्वायर था, इट वाज अ वाइडर सरफेस। अब अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया से आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कि प्रेशर अब आपका पहले से कम आएगा। That's 200 pascal. एरिया बढ़ा इसलिए प्रेशर रिड्यूस हो गया। और ये भी आप देख सकते हो ये प्योर इनवर्स में प्रोपोर्शन में है। प्योर इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब जितने टाइम्स आप एरिया को बढ़ाएंगे प्रेशर उतने टाइम्स कम होगा। जितने टाइम्स आप एरिया बढ़ाएंगे, अगर एरिया आप डबल करेंगे प्रेशर हाफ हो जाएगा, एरिया ट्रिपल करेंगे प्रेशर 3 times कम हो जाएगा, एरिया 4 times बढ़ाएंगे प्रेशर 4 times कम हो जाएगा। जितने टाइम आप एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर उतने ही टाइम्स डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा ये भी है कि भाई आप जितने टाइम्स एरिया कम करेंगे प्रेशर उतने टाइम्स इंक्रीज भी होगा। अगर एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो रहा है तो एरिया कम करने से प्रेशर बढ़ेगा भी आपके पास, और आपको सिमिलर इफेक्ट मिलेगा उसमें। अब यहां पे प्रेशर के बेसिक आइडिया से थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। जब आप बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, उसकी डेफिनेशन में आप इसका जो मतलब डेफिनेशन तो खैर नहीं है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों है, तो मैं आपको उसका रीजन समझाता हूँ। एटमॉस्फेयर असल में गैस मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन अ कंटीन्यूअस रैंडम मोशन। हम ये कहते हैं कि भाई द गैस मॉलिक्यूल्स या शुड आई से एयर मॉलिक्यूल्स टू बी एग्जैक्ट, they are in a continuous random motion. अब क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे थे तो उनके दरमियान में कोलिजन भी होती है, और वो लाजमी बात है सराउंडिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे भी कोलाइड करते हैं।
होता ये है कि भाई दे कलाइड विद वन अनदर, and with walls of container या walls of objects, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस से कलाइड करेंगे। जैसे मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पे, मेरे सराउंडिंग के अंदर भी बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं और मुझसे टकरा के रिबाउंड हो रहे हैं, मेरे साथ कॉलिशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके नतीजे में होता क्या है कि अपॉन कॉलिशन दे एग्जर्ट अ फोर्स। कॉलिजन होने की सूरत में वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, सही, वो ऑब्जेक्ट पे जिससे टकरा रहे हैं उस पर भी फोर्स लगाते हैं, और जब आपस में टकराते हैं तो आपस में भी फोर्स लगाते हैं। लेकिन जब कॉलिजन के होने पे वो ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट, कोई मॉलिक्यूल जो है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है तो उस फोर्स की वजह से बनता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया causes atmospheric pressure. सही, तो हमने क्या पूरा समझाया कि भाई हमारे एयर मॉलिक्यूल्स एक रैंडम सी मूवमेंट में थे, उस रैंडम मूवमेंट के दौरान वो आपस में कॉलिजन परफॉर्म करते हैं और आपके ऑब्जेक्ट के सरफेस से भी टकराते हैं। अब कॉलिजन के होने की सूरत में फोर्स लगती है और उस फोर्स की वजह से प्रेशर बनता है। टेम्परेचर तो खैर चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी हम टेम्परेचर का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ना, हम उसको करेंगे जब आपको बॉयल्स लॉ वगैरह पढ़ाएंगे। अभी तो हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई एयर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता ही हमारे सराउंडिंग का एयर हम पे प्रेशर क्यों लगाता है। तो हमने उसकी साइंस समझी पीछे कि हमारे सराउंडिंग का एयर असल में रैंडम मोशन कर रहा होता है और उसके मॉलिक्यूल जब हमसे टकराते हैं तो वो फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स बनाती है प्रेशर। At sea level, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो है 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स। इसको हम आसान अल्फाज में बोलते हैं 1 लाख पास्कल्स। अच्छा, सी लेवल क्यों, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। ये अगर हमारी सरफेस है ना, हमारी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर का एक कैरो के रीजन है। जब हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये एयर मॉलिक्यूल्स क्योंकि हमसे टकरा रहे थे तो हमारे पास प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, लेकिन होता ये कि एक तरह से समझो ये जो सी लेवल की बात हो रही है ना, यू काइंड ऑफ लाइक इन अ सी ऑफ एयर, यू नॉट इन अ सी ऑफ वाटर राइट नाउ। आप पानी के समंदर में नहीं है, हवा के समंदर में मौजूद है। यू आर सराउंडेड एवरीवेयर विद एयर मॉलिक्यूल्स, यू जस्ट डोंट फील दैट। जैसे फिशेस को नहीं फील होता कि वो पानी, मतलब एक तरह से एक बिल्कुल उनके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं है कि वो पानी के अंदर है, उनको होना ही पानी के अंदर था। देयर बॉडीज आर डिजाइंड टू बेयर द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन देम। इसी तरह अवर बॉडीज आर डिजाइंड टू बेयर द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। वी जस्ट लाइक फिशेस आर सबमर्ज्ड इन अ सी ऑफ एयर, and because of that submersion we are experiencing a pressure. hum isko aise bhi kehte hain ki we are in a blanket, humne hawa ka ek blanket oda hua hai, and that blanket of air is exerting a pressure on us. lekin yahan pe na thoda sa ek mamla different bhi hai. main isko kehta hu bhai ye hamara sea level hai, lekin jo maine air molecules banaye hain aap unme dekhoge maine ek choti si variation dikhai.
मैंने नीचे ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, ऊपर कम एयर मॉलिक्यूल्स दिखाए. अब्दुल वासी, इट्स बेटर यू मेमोराइज इट, समटाइम्स ही गिव्स यू, समटाइम्स ही डजंट. तो मैंने एक चीज दिखाई है कि भाई नीचे नियर द सी लेवल, और अगर आप ऊपर को देखो यहां पे वी हैव लेस एयर मॉलिक्यूल्स, सो वी हैव लेस प्रेशर. यस, को ऐसे कर लो, लेस डेंसिटी ऑफ एयर. जबकि अगर आप नीचे कंपेयर करते हो और सी लेवल, यहां पे यू हैव मोर एयर मॉलिक्यूल्स, सो वी हैव मोर डेंसिटी ऑफ एयर. आपसे ये अक्सर पूछा जाता है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ चेंज क्यों हो रहा है, तो हम यहां पर उसका रीजन देते हैं. व्हाई डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद हाइट? तो उसके दो रीजंस दिए जाते हैं बेटा. पहला रीजन ये होता है कि जब आप हायर एलिवेशन पे जाते हो, जमीन से बहुत ऊपर चले जाते हो, हवा की डेंसिटी कम होती है, वहां कम हवा होती है, लेस एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब क्योंकि वहां पे लेस एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके साथ कॉलिजन्स भी कम हो रही होंगी. कॉलिजन कम होने से आप पे फोर्स कम लग रही होगी, और इस वजह से आप पे प्रेशर भी कम आ रहा हो. तो एट हायर एलिवेशन we have low density of air, jiski wajah se we have less number of molecules. Jiske natije mein आपके पास लेस फोर्स आती है, लेस कॉलिजन्स एंड लेस फोर्स. और लेस फोर्स का मतलब यू विल हैव लेस प्रेशर. तो एक रीजन तो ये था कि भाई आपके पास मॉलिक्यूल्स ही कम होते हैं, मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से प्रेशर कम आ रहा है. दूसरा रीजन ये होता है कि हायर एलिवेशन पे एयर ठंडी होती है. एट हायर एलिवेशन ऐसे लिख दिया जाए, फर्स्ट रीजन वॉज द लो एयर डेंसिटी एंड सेकेंड रीजन इज लो टेम्परेचर. अब क्योंकि हायर एलिवेशन पे टेम्परेचर था कम, तो जो मॉलिक्यूल्स थे थोड़े बहुत वो स्लो चल रहे थे, दे वर मूविंग स्लोअर. जब वो स्लो चल रहे होंगे और कोलिजन परफॉर्म करेंगे, तो वो कोलिजन इतनी दमदार थोड़ी होगी, इट वोंट एक्सर्ट मोर फोर्स. व्हाट वुड बी द रिजल्ट? यू विल हैव लेस प्रेशर. तो यहां पे
हम लिखते हैं कि भाई लो टेम्परेचर ऑफ एयर इसकी वजह से होती है आपके पास स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल स्लो चल रहे होते हैं जिसकी वजह से वी हैव लेस फोर्सफुल कॉलिजन्स। एक रीजन एटमॉस्फेयर की जो कह रहे हो कि डेंसिटी है वो हो गया, और एक रीजन आपके पास हो गया कि आपके एयर की स्पीड टेम्परेचर उसका तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड। अब यहां पे मैं चाहूंगा आप एक और बात में जरा फर्क, विंड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग होते हैं। अक्सर लोगों को ये एक्सपीरियंस होता हुआ नजर आया होगा कि भाई अगर आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग में चले जाएं तो वहाँ हवा बड़ी अच्छी आती है। अब आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई राइज बिल्डिंग में हवा बड़ी अच्छी चल रही होती है, वो विंड का प्रेशर है, वो मूविंग एयर की वजह से पैदा हुआ है। हम जिस प्रेशर की बात कर रहे होते हैं उसमें हम अज्यूम करते हैं कि अगर हवा रुकी भी होती तो क्या होता, अगर उसमें फ्लो ना होता, सिर्फ मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन की वजह से कितना प्रेशर क्रिएट होगा, हम उसकी बात करते हैं। तो वेदर का इफेक्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरिएशंस में, क्या आपके पास कहीं पे लो प्रेशर जोन्स कहीं हाई प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं, लेकिन आम एक जनरल यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट में बात करते हैं कि अगर ऐसा कुछ ना हो रहा होता तो एक पर्टिकुलर स्पेस में जितना आप हाइट पे जाते चले जाएंगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना कम होता चले जाएंगे। जी हारिस, कौन सा वाला? बट रीजन टू ये था कि जब आपके एयर का टेम्परेचर कम होगा, हवा ठंडी होगी ना, ऊंचाई पर ठंड होती है, तो जब आप हायर एलिवेशन पे जाओगे और हवा ठंडी होगी तो मॉलिक्यूल्स होंगे स्लो। अब मॉलिक्यूल्स क्योंकि स्लो थे, उनकी स्पीड नहीं थी, जब वो कोलाइड करेंगे तो वो लेस फोर्स एग्जर्ट करेंगे जिसकी वजह से लेस प्रेशर आएगा। इफ इट्स अ हॉट वेदर तो वहां पे प्रेशर बढ़ चुका होगा, लेकिन वो लोकलाइज्ड एरिया होगा स्पेसिफिकली। अब हमने ये बात समझी भाई व्हाट वाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने इस बात को समझा कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है सी लेवल पे, और फिर हमने ये बात भी सीख ली कि हाइट के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है। अब हम एक इंस्ट्रूमेंट पे बात करेंगे विच वाज डिजाइन्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। In our course, atmospheric pressure is measured using barometers. हमारे कोर्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड अ बैरोमीटर। अच्छा, अब बैरोमीटर क्या होता है जरा इस बात को समझते हैं। बैरोमीटर एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इट कंप्राइजेस ऑफ अ
ट्यूब एन इन्वर्टेड ट्यूब in a dish pan filled with liquid mercury. It's an inverted tube in a dish pan filled with liquid mercury. So it's kind of like there's some mercury in the dish, see, and there is some mercury in the tube. Okay, there's a mercury in the dish and then there's a mercury in the tube and we have a situation like this. Ye levels are hamare paas. Hota ye hai asal mein ke hum is tube ko na pehle pure tarike se mercury se fill kar dein. So the very top. It's filled with mercury. Then it's placed upside down in the dish which contains some mercury as well. And we open up the lid. We can allow some mercury to flow. We expect ki bhai sara mercury na isme se nikal ke bahar aa jaye, but aisa hota nahi hai. The mercury level falls and then eventually comes to a halt. Mercury level girta hai lekin eventually fir waake ruk jata hai aur ek particular height achieve hoti hai. When you measure that height, it turns out to be 760 millimeters, and it's all mercury inside it. So we started to search for reasons. Why did it actually happen? You know, the person who invented this instrument and the idea of atmospheric pressure, not exactly the idea of atmospheric pressure, a way of finding out an atmospheric pressure, his name was Torricelli. He invented this instrument barometer and he designed it, and when he performed the experiment, he noted that wherever he placed the barometer on a sea level, the height was always 760 millimeters. It was always the same. So he started to search for a reason. Why in the world is it happening? Why doesn't this liquid fall further? So people at that time, some philosophers, they proposed that the vacuum over here, because the tube was already filled with mercury na, to jab mercury flow hua aur wo tube mein se nikal ke bahar aaya, to is jagah pe pure vacuum create ho gaya. There was nothing over here, it's pure vacuum. So they thought ke bhai it's that vacuum in the upper part of the tube which is pulling the liquid up. Unko lagta tha the vacuum is pulling the liquid up. But Torricelli had a different idea. He actually negated that concept. He said that bhai vacuum is something which is the absence of matter. Vacuum is something which is the absence of matter. So if there is nothing over here, then how can nothing exert something? If you're saying it's vacuum, this means there's nothing over here in the upper part of the tube, then how can nothing exert a force? There should be something, not in order to create a force. So he negated the idea ki bhai there is something pulling the liquid up. Rather, he thought out of the box, literally out of the box. He said that according to me, the liquid doesn't fall because of the pressure from the outside. According to him, it's the atmospheric pressure from the outside that is trying to push the liquid back in. And this liquid is trying to fall down. So the pressure of the liquid at this point and the pressure of atmosphere from the outside, they got balanced. The atmospheric pressure from the outside
and the liquid's pressure on the from the inside, they balanced each other, and that was the reason why the level became constant. Because atmospheric pressure is same everywhere on sea level, it's 1 lakh pascals, so the height achieved was always the same, 760 millimeters of mercury. But people were skeptical about that. Those philosophers who had an idea about the vacuum which was pulling the liquid in argued with Torricelli and said, "Bhai, prove it that it's the atmospheric pressure from the outside and not the pull from the inside." So Torricelli said that we all believe as we go high up in the elevations, pressure falls. Rabbi Bula, yes, that's the fact. If I'm going to take this setup at a height, at a huge height, I'm going to take it above a mountain, a hill, we'll see that this level will decrease. उन्होंने बोला क्यों? उसने रीजन दिया कि when there will be less pressure from the outside, definitely the level, the liquid pressure on the inside will be greater, the liquid will again start to flow until the level falls and we have a new pressure. And if your opinion is right, then there should be no effect on the level because the vacuum inside it is still the same, even if I take it up a hill. उन्होंने बोला ठीक है, let's do that. They took the entire setup at a huge height and they saw the level fall, level gir gaya. When this level decreased, it actually proved ki haan, atmospheric pressure was the reason for maintaining the liquid in this column. It was the atmospheric pressure from the outside that maintained the liquid pressure. Ab yahan pe जो मैंने अब तक बताया उसको मैं लिखता हूं. Given a tube filled with liquid mercury was turned over in a dish also filled with mercury, the mercury level in the tube fell until it became constant. See, it decreased until it became constant. The levels stopped because the atmospheric pressure from the outside matched the liquid pressure on the inside. हम ये कहते हैं कि भाई द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी रिटन एज 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, मिलीमीटर्स ऑफ एचजी एट सी लेवल. और यहां पे वी कैन आल्सो से कि भाई इफ अच्छा ये Hg is a symbol for mercury, all right? हम यहां कहते हैं कि if height increases,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, उससे होता क्या है, द लेवल ऑफ द मर्करी ऑल्सो फॉल्स। मर्करी लेवल इन द ट्यूब फॉल्स। Why use mercury? That is a good question. Why have we used mercury? We used mercury because mercury is a very heavy liquid. Even a small quantity of mercury is enough to balance out 1 lakh pascals of pressure. If we would have used another liquid which was comparatively lighter, so the amount of liquid column that would be needed to balance would have been way more. That wouldn't be the right way of doing it. Why would we create such a huge column? So seven niche maine baat likhi hai na ki if I increase the height, but if I take this setup at a higher elevation, to mujhe pata hai ki main jitna upar isko leke jaunga wahan atmospheric pressure utna kam hoga. Jab atmospheric pressure kam hoga to iska level bhi gir jayega. It would look somewhat like this. If that's the mercury, and that was the level of liquid, say, shuru ke andar. When there was yahan pe hum kaise, when there was more atmospheric pressure, you had more height, more level, yeah, more length of mercury. And when we actually shifted the entire setup to a greater elevation, we saw the level to fall. The level decreased. We had less atmospheric pressure. So we had less level of mercury. और एक और मजे की बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका मर्करी कॉलम का लेवल थिक था या थिन था, मतलब इवन इफ आई वुड हैव यूज्ड अ थिनर ट्यूब it would have given me the same level. It's actually the level that matters. See, it's the level that matters. It's not the thickness or the amount of liquid mercury. See, jaise abhi tha, ye abhi bhi itna hi hoga. It won't be different.
will have the same level of mercury, even if you would have used a thinner or a thicker tube. The thickness ya dia of tube does not affect level of mercury. Okay, only atmospheric pressure difference. Yeah, ye keh lo ke atmospheric pressure difference. Iske level mein change tab aata agar aap liquid koi aur se use kar le. लेकिन उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे जब हम आपको लिक्विड के प्रेशर का पढ़ाएंगे. बट फॉर टुडे दैट इज इट. आज के लेसन हम यहीं तक रखेंगे. इंशाल्लाह ताला इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टेक इट फर्दर एंड वी विल स्टार्ट विद द लिक्विड प्रेशर. ठीक है मेरे बच्चों, ख्याल रखना आप लोग अपना. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.